वेल, बजट 2022 के बाद हम देख रहे हैं भारत के जो रिफॉर्म्स की बात हुई है या ग्रोथ की बात हुई है वो कैसे हर सेक्टर को बढ़ावा देगी, हम बजट के एनालिसिस कर ही रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ देश के INB मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब हैं। थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। पहले तो सर, बजट ने जो बातें कही हैं, अपने जो डायरेक्शन दिया है, अमृतकाल का पहला बजट, अगले 25 साल का हम इसमें नींव बैठा के बात करें, तो आपके हिसाब से आप बजट को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अगर आप देखें लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण का पहला प्रण क्या था, विकसित भारत का निर्माण जी। तो भारत को विकसित भारत बनाने में मुझे लगता है अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के इस बड़े संकल्प को पूरा करने के लिए उसकी नींव रखता है। और ये बजट गांव का, गरीब का, महिला का, मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान और किसान का बजट है। एक तरह से बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है और ये खुशियों का बजट है। और मैं तो कहूँगा युवाओं के लिए तो विशेष तौर पर, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि 7,30,000 करोड़ से बढ़ाकर 33% की वृद्धि, 10,00,000 करोड़ पर पहुँचाना, यानी कि और रोजगार उत्पन्न होंगे, हमारे यहाँ पे आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ होगा। रेलवे का 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट पहली बार इतना दिया है, सबसे बड़ा बजट आज तक का रेलवे का, और 2013-14 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, हमने 3,25,00,000 गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए पिछले 7-8 सालों में, यानी कि लखपति बनाने का काम गरीब को भी किया, तो मोदी सरकार ने 3.25 करोड़ लोगों के लिए किया है। अब इसमें भी हमने इसमें बजट में 66% वृद्धि की है, यानी कि 79,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रखा है कि गरीब को पक्का मकान बनाकर देंगे। 20,00,000 करोड़ रुपया किसान क्रेडिट के लिए है, ताकि डेयरी, फिशरीज और पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, उसके लिए दिया गया है। तो यहाँ पे करोड़ों किसानों को, पशुपालकों को इसका लाभ मिल पाएगा। फिर इसी तरह से माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए 2,00,000 रुपया क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत मिलेगा, तो अपने उद्योग का विस्तार कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए आपको इनकम टैक्स एग्जम्पशन दे दी, आपको लॉसेस बुक करने के लिए प्रावधान दे दिया, कैरी फॉरवर्ड लॉस करने के लिए आपको ऑप्शन दे दी है। तो युवाओं के लिए तो बहुत कुछ है, और यही नहीं, पढ़ाई के अलावा भी अगर आपको स्किल्स चाहिए तो फ्यूचर वर्क्स 4.0 की जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग हो या फिर आपका 3D प्रिंटिंग हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, इन सब के भी आपको स्किलिंग का प्रावधान होगा, लाखों लोगों को स्किल्स मिलेंगी। और इसके अलावा 47,00,000 युवाओं को अब स्टाइपन देने का काम भी अगले 3 साल में किया जाएगा। फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स खोले जाएंगे, जहाँ पर देश भर के अलग अलग कोनों में युवाओं को प्रशिक्षण भी मिलेगा, देश और विदेश में रोजगार के अवसर मिलेंगे। और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खोले जा रहे हैं। तो फ्यूचर मार्केट को कैसे कैप्चर करना है, उसके लिए आपको वर्कफोर्स कैसे तैयार करनी है, वो सारे प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। और अंत में मैं कहूँ, अगर खेलकूद की, जी मैं खेलकूद पे आ ही रही थी, आपकी मिनिस्ट्री ने जो चाहा वो आपको मिला? बिल्कुल, तो मोदी जी तो खेल को सदा ही केंद्र बिंदु और युवाओं को केंद्र बिंदु रख के चलते हैं। और खिलाड़ियों के लिए जहाँ एक और खेलो इंडिया स्कीम शुरू की थी, इसके भी 5 साल के लिए लगभग 3200 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन इस साल के बजट में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए 11% की इंक्रीज की है, और 3397 के 3,397 करोड़ रुपये का बजट इस बार रखा है, जो पिछली बार से बहुत ज़्यादा है। कुल मिलाकर ना केवल पैसा बल्कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। ओके, तो ये तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं इस बजट में, जो लोगों ने सराहा है, कहा है कि ग्रोथ की तरफ फोकस करके ज़्यादातर तबके के लोगों को यहाँ पर एड्रेस किया है। जब बात करते हैं मिडिल क्लास की, आई थिंक हम ये सवाल कई बार से उठा रहे थे कि ऑनेस्ट टैक्सपेयर्स को कैसे सरकार एक तरह से रिवॉर्ड करे, और इस बार जो नई टैक्स रिजीम की बात कही गई है और रैशनलाइजेशन जो किया गया है पहली बार 8 साल के बाद, उससे लोगों को जो फ़ायदा होगा, जो हम एक तरफ जा रहे हैं एग्जेम्पशन को हटा के हम टैक्स जो है, अगर आपको वो मिलता है, आप उस लैब में आते हैं तो आप टैक्स नहीं देंगे, ये जो डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि मध्यम वर्ग का और टैक्स पेयर्स का एक बहुत बड़ा योगदान भारत के विकास में है। टैक्स पेयर्स को कभी राजीव गांधी जी के समय या कांग्रेस के समय ऐसा लगता होगा
कि वो टैक्स तो पे करते हैं, लेकिन राजीव जी ने खुद ही कहा कि जो पैसा जाता है 100 रुपये में से 85 रुपया सिस्टम खा लेता है। लेकिन अब इसमें क्या बदलाव है, अब मोदी सरकार में टेक्नोलॉजी का उपयोग है, जनधन आधार मोबाइल इसका इस्तेमाल करने का काम किया है, और 100 रुपया अगर हम नीचे तक भेजते तो 100 रुपया ही पहुंचता है, उसमें से कहीं खाने की गुंजाइश नहीं है। सिस्टम में पारदर्शिता लाए हैं, जवाबदेही सिस्टम को किया है, और मैं ये कह सकता हूँ इसलिए टैक्स पेयर भी आज खुलकर टैक्स देता है कि गरीब कल्याण के लिए पैसे का इस्तेमाल होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में मिली, 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में मिला, 3 साल तक मिला, 4 लाख करोड़ रुपया खर्च किया, तो भूखमरी और महामारी दोनों से बचाने का काम भी हम लोगों ने किया है। तो टैक्स पेयर के पैसे से देश का जो विस्तार हुआ, देखिए 12 किलोमीटर सड़क बनती थी 2013-14 में, आज वो नेशनल हाईवे बढ़ के 40 किलोमीटर प्रतिदिन बनता है। यूपीए के 2013-14 में 2.5 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन नहीं बिछती थी, विकास हो रहा है। आज वो 9 से 10 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहा है, इसलिए रेलवे का बजट भी बढ़ा है क्योंकि आप खर्च कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बजट से तो समझ में आया, लेकिन आपके मंत्रालय में जो आपने इतने बढ़िया लग के काम किया है, देश को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हमारा एक बड़ा नाम, चाहे कोई भी खेल हो, आपने अब पर्सनली क्या टारगेट रखे हैं, देश को कहाँ लेके जाएंगे जब, और रियलिस्टिकली सर कौन कौन सी एरियाज हैं, कौन कौन से आइडेंटिफाई किए हैं स्पॉट्स जहाँ एक्चुअली बहुत अच्छा प्रदर्शन। देखिए भारत जहाँ बाकी, जैसे हम PLI स्कीम्स लेके आए, मान लीजिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, कभी कोई सोचता नहीं था, कहते थे इम्पोर्ट करेंगे मोबाइल, लेकिन मोदी जी ने सोचा नहीं हम यही बनाएंगे, हम सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर नहीं, हम इसको सेकंड लार्जेस्ट तो कम से कम मैन्युफैक्चरर बनकर दिखाएंगे, और 5 साल में कर दिया, भारत करके दिखाता है, हमारी क्षमता है। इसी तरह से खेलों में हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन समाज की सोच को बदलना, फिर सरकारों को, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स, तो राज्य की सरकारें उसमें निवेश करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम कर रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र के बजट को भी बढ़ाया, अन्य योजनाएँ लाए, इवेंट कंपटीशन बढ़ाया, टॉप्स जैसी योजनाओं को लेकर आए जिससे खिलाड़ी की बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग, देश और विदेश में सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है, और खिलाड़ी को 6 लाख रुपया जेब खर्च भी देती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। तो आज खिलाड़ी ये नहीं कहते कि हमें किसी चीज़ की जरूरत है, वो केवल खेलने पे फोकस करते हैं। वी हैव टू बी अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन द ओलंपिक्स मेडल लिस्ट में, एक तो वो है, दूसरा हमें अपनी मार्केट, जो खेलों की यहाँ पे और लीग शुरू होनी चाहिए, जैसे IPL वुमेन लीग भी शुरू हो गई, या कबड्डी लीग होती खेलो है, खेलो इंडिया खेलों का फुटबॉल होता है, हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स किया, यूनिवर्सिटी गेम्स कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट आपको देश के अंदर चाहिए, तो हमारी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री बहुत बढ़ेगी। हमें साल का टारगेट तय करना चाहिए कि राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार कुल कितने एथलेटिक ट्रैक इस साल लगाएगी, कुल कितने हॉकी के टर्फ बचाएगी, कुल कितने फुटबॉल के ग्राउंड बनाएगी, कुल कितने इंडोर स्टेडियम बनाएगी। तो एक जब ये डिमांड जनरेट होती है, कलेक्टिव डिमांड, तो मार्केट सबको नजर आती है कि यहाँ पे मार्केट है, तो उसका रेट भी नीचे गिरेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम आगे और उन्नति देखेंगे, एक्सपेंशन देखेंगे, और खेल में तो पर्टिकुलरली आई थिंक हमने बहुत सारे खेल में, क्रिकेट ही नहीं, आई थिंक हम जो ओलंपिक्स की आपने बात की, हम टॉप 10 में आए, कब तक सर, कब तक हम, मैं तो चाहता हूँ 2036 से पहले आ जाना चाहिए। ओके 2036 सर, थैंक यू सो मच, लवली स्पीकिंग, थैंक यू।